डॉक्टर जॉन डिमोर्टनी ने कहा है कि हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी भावना है जिसे हम सब अपने दैनिक जीवन में अनदेखा कर देते हैं और हम उन चीजों की सराहना करना भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे पास है, क्योंकि हम उस पावर को नहीं जानते जो ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड या आभार व्यक्त करना एक सिंपल थैंक यू से कहीं बढ़कर है। ये ना केवल आपकी खुशी को नोटिस करता है, आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स को पहचानता है, बल्कि आपके फोकस को उन चीजों पर शिफ्ट करता है जो आपके लिए पॉजिटिव है, ना कि उन चीजों पर जिसकी आपकी लाइफ में कमी है। वास्तव में ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का एक अचूक उपाय है। आपके पास वर्तमान में जो भी कुछ है, जब आप उसके बारे में कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीजें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। लेकिन ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, इसीलिए उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो, हाँ आप किसी दूसरी चीज के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल जाती है। अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग सिर्फ कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हैं तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप नकारात्मक हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको ये नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वो आपको सिर्फ वही चीजें दिला सकती हैं जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और यही नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अगर आप अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रिक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो भी कुछ है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में ऐसे अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाएंगे। याद रखिए, यदि आप हर एक उस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो आपके जीवन में है, तो आप वो नहर बना रहे हैं जिससे आपके जीवन की सभी खुशियां आप तक आएंगी। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, पर आप और हम ये नहीं जानते कि वो दिन में सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे। वो उन्हें भी धन्यवाद देते थे जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया, और इस तरह अंततः वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में एक बन गए। आज हम ग्रेटिट्यूड की पावर के बारे में डिटेल में जानेंगे और 21 डेज उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होंगे, और यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स को आप अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हर हफ्ते आप ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल समरीज को सुन सके। दोस्तों, यूनिवर्स का एक नियम है, जिसके लिए आप धन्यवाद देंगे वो आपको जरूर मिलेगा। आज से 21 डेज तक आपको हर उस चीज को दिल से धन्यवाद करना है जो आपकी लाइफ में है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको थैंक यू बोलना है। अगर आप अच्छी नींद ले पा रहे हैं तो आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है, आपको उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। अगर आप जॉब करते हैं, आपको उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। अपनी फैमिली के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अपनी अच्छी सोचने समझने की शक्ति के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है कि उसने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी की हेल्प कर सको। थैंक यू यूनिवर्स मेरे अच्छे दोस्तों के लिए। थैंक यू
उन लोगों के लिए जो आपके सिर्फ एक फोन कॉल पर आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू मेरी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए, थैंक यू मुझे हवा पानी और सनलाइट देने के लिए, थैंक यू मुझे स्पिरिचुअल बनाने के लिए, थैंक यू मुझे चैंपियन बनाने के लिए। आज मैं लाइफ में जहां भी हूं उसके लिए थैंक यू, आज के दिन के लिए थैंक यू, आने वाले खूबसूरत कल के लिए थैंक यू, टफ टाइम के लिए थैंक यू क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छे लेसन्स मिले, मेरे पीसफुल माइंड के लिए थैंक यू, जिनसे भी मुझे कुछ सीखने को मिला उसके लिए थैंक यू, ब्यूटीफुल लाइफ के लिए थैंक यू। इन सभी अफर्मेशंस को 21 डेज तक अपनी लाइफ में सुने, बोले, विजुलाइज करें और फील करें और आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है। याद रखिए, आपको अपने जीवन की हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है क्योंकि जब आप इन चीजों को धन्यवाद बोलेंगे तो और भी वो चीजें अधिक से अधिक मात्रा में आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन अगर आप इन चीजों के बारे में सिर्फ दुख व्यक्त करेंगे और शुक्रगुजार नहीं होंगे तो और भी आपके साथ वही होगा। इसीलिए आपको जो भी मिला है आपको उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड ने हमें जो भी शक्तियां दी हैं उसमें कृतज्ञता यानी कि ग्रैटिट्यूड सबसे ऊपर है। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं तो कृतज्ञता का प्रयोग तब तक करें जब तक ये आपकी जीवन शैली ना बन जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।